वेलकम टू डीजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। गूगल चुपके से कस्टमर्स का यानी कि यूजर्स का डेटा को शेयर कर रहा था एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ, ऐसा स्पॉट किया गया है। नोकिया पावर ईयरबड लॉन्च हो चुका है IFA बर्लिन 2019 पे। इसमें आपको IPX7 वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलेगा। 150 आवर का टोटल बैटरी लाइफ मिल जाएगा 3000 mAh की बैटरी सपोर्ट के साथ। और इसकी प्राइस रखी गई है 6300 रुपये। अब हालांकि ये जब ये इंडिया पे आएगा तब पता चलेगा कि ये प्राइस और इंक्रीज हो रही है या नहीं। फिलहाल इसका जो रफली कन्वर्सन के अकॉर्डिंग इसकी प्राइस 6300 निकल के आई है, और ये अक्टूबर पे मे भी इंडिया मार्केट पे आ सकता है। और इसमें ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्टिविटी दिया गया है। नो जियो का फाइबर ब्रॉडबैंड के प्लान्स फाइनली आज लॉन्च हो चुके हैं। इसमें आपको मिलेगा, सबसे सस्ता प्लान है 700 रुपये का, 100 Mbps तक का स्पीड मिलेगा 100 GB तक। उसके बाद आपको 50 GB का एड ऑन करना पड़ेगा माई जियो ऐप से, यानी कि टोटल आपको 700 रुपये पे 150 GB का डेटा मिलेगा 100 Mbps तक। उसी तरीके से सिल्वर वाले में 850 में आपको 200+200 GB, गोल्ड प्लान पे आपको 1300 रुपये का है जिसमें आपको 250 Mbps का स्पीड हो जाएगा 500 GB+250 GB तक। डायमंड पे आपका प्राइस है 2500 का जिसमें आपको 500 Mbps का स्पीड मिलेगा 1250 GB तक। उसके बाद 250 GB का एड ऑन करना पड़ेगा माई जियो ऐप से। 4000 वाले में आपको 1 GBPS का प्लान मिलेगा 2500 GB तक के लिए। 8500 रुपये में आपको 5000 GB तक का प्लान मिलेगा। जियो के वेलकम ऑफर के अकॉर्डिंग ये जो आपको 6 प्लान लॉन्च किए गए हैं, इन सभी 6 प्लान में आपको फ्री कॉलिंग मिलेगा, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग बहुत, और लेटेंसी फ्री गेमिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें आपको टीवी कंटेंट मिलेंगे अपर के चारों प्लान पे, यानी कि 1300, 2500, 4000, 8500 पे। और नीचे के जो 2 प्लान है उसमें 3 मंथ का मिलेगा, बाकी सब में आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पैक मिलेगा। 699 वाले में आपको 6 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर दिया जाएगा गिफ्ट के तौर पे। 849 वाले प्लान पे आपको 12 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर दिया जाएगा। 1300 रुपये वाले प्लान में आपको 24 इंच का HD वाला टीवी दिया जाएगा 2 साल गारंटी के साथ। और 2500 रुपये में भी आपको 24 इंच का HD टीवी दिया जाएगा। उसके अलावा 32 इंच का टीवी दिया जाएगा आपको अगर आप 4000 वाला प्लान लेते हैं तो। और अगर आप टाइटेनियम प्लान लेते हैं जो कि 8500 रुपये पर मंथ है, उसमें आपको 43 इंच का 4K टीवी दिया जाएगा। अगर जियो ने ये भी बताया कि अगर आप 3 मंथ का प्लान लेते हैं, 6 मंथ का प्लान लेते हैं, तो आपको अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 3 मंथ का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 25% डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। 6 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 50% डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं तो आपको सीधा सीधा 2 महीने का प्लान एक्स्ट्रा मिलेगा विथ डबल डेटा बेनिफिट के साथ। 100% डेटा बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा। एडवांस SMS फिशिंग अटैक टारगेट कर दिया गया है एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन के लिए। ये मोस्ट प्रोबेबली Android 7 से जितने बिलो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन सभी पे मोस्ट प्रोबेबली टारगेट किया जाया गया है। अभी फिलहाल अगर आप Android 8 और अबव ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो फिलहाल तक अभी आप सेफ हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये कब तक आप सेफ रहेंगे ये नहीं बोला जा सकता। सोनी एक्सपीरिया 5 को लॉन्च होने वाला है। IFA बर्लिन पे लॉन्च हो चुका है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप स्नैपड्रैगन 855 SoC के साथ। इसमें 6.1 इंचेस का Full HD+ OLED डिस्प्ले है। 21:9 वाला 3140 mAh की बैटरी है। ट्रिपल कैमरा जो है वो है, तीनों कैमरा 12 MP का है। Realme का XT इंडिया पे लॉन्च होने वाला है 13 सितंबर को। ये इंडिया का पहला 64 MP वाला कैमरा वाला फ़ोन रहेगा। और 13 सितंबर को दोपहर को 12:30 बजे ये फ़ोन लॉन्च किया जाएगा, और ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिवली हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी M10s, M20s, M30s, A10s, A20s, A30s, हाँ ये सब फ़ोन दिवाली के पहले लॉन्च हो सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ या वॉर्न कर देता हूँ, अगर आप सैमसंग का फ़ोन लेने वाले हैं तो कृपया करके कोई भी फ़ोन अभी फ़िलहाल दिवाली तक तो बिल्कुल ना लें,
क्योंकि सैमसंग के कम से कम 6 फोन दिवाली के तक आ जाएंगे। आपका जो भी प्राइस बजट है, सपोज 8,000 से लेके 20-22 हज़ार के रेंज में ये 6 फोन आने वाले हैं, तो आप रुकिए और लेटेस्ट मॉडल लीजिए, क्योंकि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म ऐसा है, ये आईफोन या आईओएस वाला प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 4 साल पुराना फ़ोन भी ले लें और रिलैक्स होकर चलाएं। एंड्रॉयड फ़ोन का मार्केट हर हफ्ते चेंज होता है, तो आप जितना लेटेस्ट लें उतना ज़्यादा अच्छा है। और मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपको सैमसंग का एम सीरीज़ पसंद है, तो आपके लिए 2 ही मॉडल है, M30S, अपकमिंग वाला बता रहा हूँ, M30S, M40S। उसी तरीके से अगर आपको ए सीरीज पसंद है, तो A30S और A50S, अंडर 20,000 के रेंज में ये 4 मॉडल रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी मॉडल है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी के M10S, M20S, इग्नोर कर दीजिए। ए सीरीज का A10S, A20S, ये भी इग्नोर करने वाला मॉडल है। ओप्पो का A9 2020 वाला वेरिएंट जो है, वो 10 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। अब ओप्पो ने कंफर्म कर दिया है इंडियन मार्केट के लिए। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 665 एसओसी मिलेगा, 8 GB का रैम, 128 GB का स्टोरेज मिलेगा। इसमें आपको क्वाड कैमरा रियर सेटअप मिल जाएगा, 48 MP का मेन कैमरा रहेगा। आईफोन SE का अपग्रेडेड मॉडल 2020 पे लॉन्च होने वाला है, 2020 के मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च पे लॉन्च हो सकता है ये। अभी फिलहाल तो सितंबर पे तो आईफोन का 11 सीरीज लॉन्च होगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 4 से 6 महीने के डिस्टेंस के बाद आईफोन SE का सक्सेसर लॉन्च हो सकता है। लेनोवो Z6 Pro आज इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च हो चुका है, साथ ही साथ लेनोवो का K10 Note, A6 Note भी लॉन्च हुआ है। लेनोवो Z6 Pro की प्राइस रखी गई है 34,000 रुपीज़, लेनोवो K10 की प्राइस रखी गई है 14,000 रुपीज़, लेनोवो A6 Note की प्राइस रखी गई है 8,000 रुपीज़। फेसबुक के यूजर के फोन नंबर एक्सपोज्ड हो चुके हैं ऑनलाइन डेटाबेस में, नियरली हाफ अ मिलियन कैंडिडेट यानी कि यूजर्स का ये डेटा ब्रीच हो गया है। ये तो फेसबुक के साथ हमेशा से ही होता है, और आज के डेट में कोई भी कंपनी शरीफ नहीं है। जैसे कि मैंने अपने न्यूज़ के शुरुआत में ही कहा कि गूगल भी आपकी डेटा को शेयर कर रहा है, तो इट मीन्स अगर आप ऑनलाइन में हैं, मतलब आपकी कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं है। गूगल के ऊपर फाइन लगा दिया गया है $170 मिलियन का, क्योंकि गूगल यूट्यूब का जो किड ऐप है, वहाँ से किड्स ये यूजर्स का डेटा को कलेक्ट करके बेच रहा था, और इस पे फाइन लगाया गया है $170 मिलियन का। वीवो Z1X कल के डेट पे यानी कि 6 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा इंडियन मार्केट पे। इसमें आपको 22.5 वॉट का वीवो का फ्लैश चार्ज बॉक्स के साथ ही दिया जाएगा, 48 MP का रियर कैमरा सेटअप है, स्नैपड्रैगन का 7112 वाला प्रोसेसर है, 4500 mAh की बैटरी है, टाइप सी वाला चार्जिंग स्लॉट है, 3.5 mm जैक है, 12 4G मल्टीफेस पासवर्ड है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और इसमें आपको टोटल 3 वेरिएंट मिलेंगे, 4/64, 6/64, 6/128। 4/64 का प्राइस रहेगा 15,000, 6/64 का प्राइस रहेगा 17,000, और 6/128 का प्राइस रहेगा 18,000 रुपये। ट्विटर ने जैसे ही ट्विटर के CEO का अकाउंट हैक हुआ, उसके बाद ट्विटर ने टर्न ऑफ कर दिया है ट्वीटिंग फैसिलिटी को, जिसको आप यूज करते थे SMS के थ्रू। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड डिवाइस साउथ कोरिया में कल के डेट पे यानी कि 6 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इसका डॉलर प्राइस है $1,977। अगर आप इसे रफली कन्वर्ट करते हैं इंडियन मार्केट के लिए, तो 1,43,000 रुपये का ये फ़ोन रहेगा। इन्फिनिक्स का Hot 8 फाइनली लॉन्च हो चुका है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ। इसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, 13 MP का मेन कैमरा है, फ्रंट पे 8 MP का सेल्फी कैमरा है, और बाकी जो 2 सेकेंडरी कैमरा है वो 2-2 MP के हैं। इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है 7,000 रुपये 1 महीने के लिए, शुरुआत के 1 महीने के लिए, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ के 8,000 रुपये हो जाएगी। इसमें आपको 4 GB की रैम, 64 GB का स्टोरेज मिलता है, 6.52 इंचेस का HD+ वाला वाटर ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले मिलता है, IPS LCD डिस्प्ले है, और इसमें XOS का Android 9 Pie के ऊपर टच दिया गया है। PS4 का इंडियन मार्केट पे प्राइस डाउन हो चुका है, अब आप इसे परचेस कर सकते हैं 30,000 रुपीज़ में। 1 TB का आपको बंडल हार्ड डिस्क भी दिया जाएगा, विथ कुछ गेम इंक्लूडेड दिए जाएंगे, 3 मंथ का एक्सेस भी दिया जाएगा, प्लस मेंबरशिप का आपको। सैमसंग का Exynos 980 SoC
को लॉन्च होने वाला है। ये कंपनी का यानी कि सैमसंग का पहला 5G इंटीग्रेटेड मोबाइल प्रोसेसर रहेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली 2020 पे आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि S11 पे और नोट 11 सीरीज पे। रेडमी K20 प्रो अगर आप इंडियन मार्केट पे यूज़ करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि रेडमी का K20 प्रो पे स्टेबल MIUI 10 एंड्रॉयड 10 बेस्ड वाला अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। आप चेक करते रहिए, OTA अपडेट के थ्रू आपको जल्द ही मिल जाएगा, और इसमें आपको सितंबर महीने का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी इंक्लूड करके दिया गया है। OnePlus 7T का डिज़ाइन कुछ लीक हुआ है, क्योंकि केस बनाने वाली कंपनी ने एक केस के अकॉर्डिंग ये इसमें आपको सर्कुलर कैमरा सेटअप मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी रहेगा इस फोन पे। OnePlus का जो टीवी आने वाला है उसमें उसमें कस्टम गामा कलर मैजिक प्रोसेसर रहेगा, ये कंफर्म किया है CEO पीट लॉ ने। निंटेंडो स्विच का लाइट वेरिएंट इंडियन मार्केट पे प्री ऑर्डर के लिए रेडी हो चुका है। इसकी प्राइस है 25,000 रुपये और ये मोस्ट प्रोबेबली लॉन्च हो सकता है 25 सितंबर को इंडियन मार्केट के लिए। टेलीग्राम चुपके से ट्राई कर रहा है कि वो कैसे क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम ग्राम रहेगा, टेलीग्राम का ग्राम, उसे लॉन्च कर सकता है, और ये लॉन्च हो सकता है इस साल के एंड तक। वीवो नेक्स्ट 3 का 5G वेरियंट, या बोला जाए वीवो नेक्स्ट 3 नॉर्मल 4G और 5G दोनों वेरिएंट सितंबर 16 को लॉन्च हो सकता है। इसमें Snapdragon 855+ वाला प्रोसेसर मिलेगा, 4410 mAh की बैटरी है, 12 GB की रैम है, और इसमें वाटरफॉल डिस्प्ले डिज़ाइन दिया गया है। Android 10 3 सितंबर 2019 को कमर्शियली ग्लोबल मार्केट के लिए रिलीज कर दिया गया है गूगल के द्वारा, और ये गूगल के सभी पिक्सल डिवाइसेस पे सेम डे ही OTA अपडेट के थ्रू रोल आउट कर दिया गया है। अगर आपके पास पिक्सल डिवाइसेस है तो आप चेक कर लीजिए, आपको अगर OTA मिल गया है तो आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें सभी पिक्सल यानी कि पिक्सल 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज और 3A वाला सीरीज सभी पिक्सल्स को ये अपडेट दिया गया है। OnePlus TV को स्पॉट किया गया है 8 स्पीकर के साथ, जिसकी टोटल आउटपुट कैपेसिटी है 50 वॉट की, और इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट रहेगा, और ये टीवी रहेगा 55 वॉट का, सॉरी 55 वॉट नहीं, 55 इंच का। सैमसंग चुपके से काम कर रहा है फोल्डिंग डिवाइस के नेक्स्ट वेरिएंट के लिए, यानी कि नेक्स्ट वर्सन का, जो कि फोल्ड होके तो टेबलेट जैसे दिखेगा लेकिन कोलैप्स होने के बाद स्क्वायर की तरह दिखेगा। iPhone 11 के स्पेसिफिकेशन को स्पॉट किया गया है गीक बेंच पे, यानी कि iPhone 11 का सबसे बेस वेरिएंट 4GB रैम के साथ भी आ सकता है। Motorola One Zoom के कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, इसमें क्वाड कैमरा सेटअप है, 6.2 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, 48 MP का रियर कैमरा दिया गया है, और ये भी मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड तक ही लॉन्च हो सकता है, क्योंकि ये 10 ईयर सर्टिफिकेशन ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन सबको पास कर चुका है। सैमसंग गैलेक्सी A20s को भी स्पॉट किया गया है 10 ईयर सर्टिफिकेशन पे। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, कैपेसिटी फिंगर प्रिंट सेंसर मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया ये बेस वेरिएंट टाइप का मॉडल रहेगा, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ए सीरीज ही लेना है तो A30s A50s पे ध्यान दीजिए, और एम सीरीज लेना है तो M30s और M40s पे ध्यान दीजिए। उसके अलावा पिछले साल का 2019 का जो स्टार्टिंग का जो मॉडल था उसे इग्नोर कर दीजिए। Xiaomi लॉन्च करने वाला है चार मोबाइल, जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ये बता दूं, ये हो सकता है Mi Mix 4 या फिर Mi 90 का जो अपग्रेड सक्सेसर रहेगा उसमें, और Redmi के K20 Pro के सक्सेसर पे और Poco F2 पे, इतने ही इस फोन पे होने की उम्मीद है 108 मेगापिक्सल वाले इस कैमरे की, और ये सभी फोन आपको 2020 पे ही देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A90 का 5G वेरिएंट Snapdragon 855 SoC के साथ 4500 mAh बैटरी के साथ लॉन्च हो गया है कोरिया पे, और अगर आप इसकी इंडियन प्राइस कन्वर्ट करते हैं तो 53,000 इसकी प्राइस कन्वर्ट होने के बाद आती है। इसमें 32 MP का रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। थैंक यू।